गवारे फंस गए फंस गए फंस गए यारो कोई तो हमें निकालो चला जो पीछे चोरू बनूंगा रुका तो सर पे वो बरसेगी चला तो पीछे हर लड़की के रुके तो मैं क्यों ना बरसूं कभी बैंड कभी बाजा मेरा बच गए बच गए बच गए कभी बैंड कभी बाजा मेरा बच गए बच गए बच गया यसु पंजू हार कबूतर डाली चलो चलो बात करो यू जोड़ो मेरे सामने ये निकल वापस से बहुत आराम से तेरी बारी भी आएगी फिर जब आएगी तब दिख जाएगी वो देखो देखो वो खेल ही नहीं तुम्हारे साथ दफा हो जाओ अरे क्यों भाई ओ बहादुर बना थोड़े से आंटी तुम इसके साथ अच्छा नहीं करती हो मैंने क्या अच्छा नहीं किया इसके साथ देखे थे उसके हाथ कितने लाल हो गए थे ये मार कुटाई वाला खेल खेलना जरूरी है लूडो वगैरह खेल लिया करो बेटा अपनी लूडो बच्चे खेल ये देखें भुलक्कड़ फोन तो यही भूल गया वापस करके आई जल्दी आ जाना अब वहीं बैठ ना जाना नहीं नहीं मैं नहीं कहीं बैठती चाहती तो वहीं बैठ जा ये लड़की तो अब देखो अपना मोबाइल भूल गई यहाँ पे फोन भूल गए थे मेरे घर पे अपना लैपटॉप क्यों उधर कर दिया मुझे देखते साथी अरे मैंने सोचा मेरी दोस्त आ गई दोस्त से बातें कर लेता हूँ मुझसे तो बातें करती रहना पहले यहाँ पे देखो कितने फंस फंस के बातें कर रहे हो मानो बिल्ली वाह मेरे दोस्त क्या चॉइस है तुम्हारी अरे बंटी मेरी रैंडम फ्रेंड है ए साइड बैठो रैंडम फ्रेंड है चैट पर आई हूं मैं अच्छा प्लान भी बन गया मिलने का और वेन्यू भी डिसाइड हो गया अपनी इस रैंडम फ्रेंड के साथ शाम 4 बजे फोर्ट प्रिज़न पे बड़ी शहर निकले तुम तो वो तो मैं बस वैसे ही क्या मैं मुझसे पूछे बगैर मिलने वाली थी ना तुमसे अरे ऐसा हो सकता है तुम्हें बताए बगैर मैं कुछ प्लान करूंगा बिल्कुल तो दिखाओ फिर तुम देखो मैं तुम्हें क्या करूंगी अच्छा 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 बताओ क्या प्लान है अब मुझसे पूछो कि तुम्हें क्या बोलूंगी पहली डेट है मेरे दोस्त की धूमधाम से जाएंगे ये गुलदस्ता चॉकलेट्स टेडी बियर भी ले लेंगे ओ हेलो इतना खर्चा क्यों अबे ओ कंगले गर्लफ्रेंड्स तो लड़के नोटू उड़ाते हैं और तुम अभी से कंजूसी दिखा रहे हो अच्छा ये बताओ क्या एड्रेस करूं ये थोड़ा मुश्किल सवाल है अच्छा तो तुमको कुछ भी नहीं लगता ये बर्थडे मुझे तुमने कलर पहना था वो अच्छा वो ही ड्रेस पहन लेना थोड़े बहुत निकल जाते हो उसमें तुम ठीक है अच्छा चलो मैं निकलती हूँ कल 3 बजे तैयार रहना हेलो हेलो 3 बजे क्यों अरे घंटा तो लगेगा ना फोर्ट प्रिज़न जाने में अच्छे लगना Oh no. कोई ना कोई पंगा कर देगी वहां पे तो तुम हो मानो बिल्ली मेरा नहीं नहीं वो तो फेसबुक आईडी का नाम है मेरा नाम तो जरीना है आपकी तारीफ मेरी तो हर कोई तारीफ करता है मेरा मतलब है तारुफ ओह मेरा नाम बंटी है और हम सायू हैं बेस्ट फ्रेंड भी हूँ बबलू की और हम लोग हम सायू सिर्फ नाम के हैं असल में तो हम लोग एक दूसरे के घरों में ही पड़े होते हैं हर वक्त का खेल ना कपड़े भी मेरी पसंद के पहनता है शादी के बाद में यही सब होगा बबलू व्हाट शादी पहली दफा मिल रहे हो तुम लोग और तुम्हें शादी करनी है सच सच बता दो कब से चक्कर चल रहा है 3 दिन से 3 दिन हुए हो है लड़की और तुम मिलने भी आ गई मैं तो 3 दिन से मिलने का कह रही थी मैं आज रजामंद हूँ कोई शक बबलू तुम क्या कह रहे हो छोड़ो ना मुझे तो पहली नजर में मोहब्बत हो गई इससे मुझे भी
बताओ ना क्या इरादे? इरादे क्या हैं? आप अपने घर वालों को मेरे घर भेजेंगे और अगर वो नहीं माने तो हम खुद मैरिज कर लेंगे। और मानो बिल्ली, जो खाना आपने ऑर्डर किया ना उसे खुद ही खा के खुद ही बिल दे दीजिएगा। उधर करो, चलो। क्या मैं पागल हूँ? पागल तो वो लड़की है जो 3 दिन की चैटिंग में तुमसे मिलने आ गई और भाई पहली मुलाकात में शादी के मशवरे दे रही है। वाह, तो इसमें बुराई क्या है? यार बबलू, क्या हो गया? कौन लड़की कोर्ट मैरिज का मशवरा देती है? बंटी बंटी, लव स्टोरीज में ऐसा ही होता है, अगर पेरेंट्स नहीं माने जाके कोर्ट मैरिज कर लो। कौन सी स्टोरी? लव स्टोरी? 3 दिन हो गए तुम लोगों को बात करते हुए, लव हो गया तुम्हें? तुम क्या चाहती हो? फोन निकालो और फेसबुक पे जाओ, नंबर भी अवेलेबल है तुम्हारे, ब्लॉक करो। बंटी ये क्या बात हुई? मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड तुम भगा रही हो, तुम पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहती ही नहीं कि मेरा घर बस जाए। ऐसी बात नहीं है बबलू, वो देखो ना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम बहुत मासूम हो, मुझे पता है कि तुम्हें ना ये लड़कियों का नहीं पता कि चलाक होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें हर गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम है, कोई मोटी है, कोई मॉडल ज्यादा है, कोई जाहिल गवार है, पता नहीं क्या मसला है तुम्हारे साथ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा ना, अब तुमसे पूछूंगा। ओह हेलो, तुम्हीं से बात करो मुझसे, मैं ये बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड वाली लड़की नहीं हूँ, उस टाइप की नहीं हूँ, बहुत मस्त की लड़की हूँ मैं, अपनी अम्मी के पसंद के लड़के से शादी करूंगी। इसे तुम्हारी अम्मी को मैं पसंद हूँ? तुमसे शादी करने से बेहतर मैं कबारी मर जाऊँ। हेलो, मैं मर भी नहीं रहा तुम्हारे पीछे, और हाँ ये मैंने लिए वापस दो मुझे, अब देखना मेरे पीछे भागती भी आओगी। मैं भी कोई तुम्हारे पीछे मरती नहीं हूँ, वो तो घर मेरा इस तरफ है इसलिए पीछे आना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, भागती रहो मेरे पीछे। शादी वालदैन की मर्जी से होगी या अपनी? कैसे टॉपिक आने लगे आजकल। हेलो। अरे फौरन ही कॉल अटेंड कर ली, 3-4 बार बेल तो बजने देती थी। सॉरी बोलो, अब जल्दी से मैं इंतजार कर रही हूँ। वैसे गलती तुम्हारी थी। तुम यहाँ पर सॉरी कौन कहता है? ओके सॉरी। अब बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बोर हो रहा था, वैसे इस टाइम मानो बिल्ली से चैट किया करता था मगर उसने ब्लॉक कर दिया मुझे। ये तो अच्छा हुआ ना, जान छूट गई तुम्हारी। वैसे बंटी कभी मेरी गर्लफ्रेंड हो पाएगी भी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया दूं, मेरा तो ख्याल है कि तुम ये गर्लफ्रेंड के चक्करों से ना बाहर आ जाओ, अम्मी से बोलो कोई रिश्ते वाली आंटी ढूंढ ले और तुम्हारी शादी करा दे। हाँ सही कह रही हो, यही करना पड़ेगा। तो और क्या, सीधा रास्ता भी यही है और इंसान को प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना चाहिए। हाँ सही कह रही हो, वैसे भी हर लड़के की किस्मत में गर्लफ्रेंड थोड़ी होती है। लेकिन गर्लफ्रेंड तो होती है ना मेरी तरह की। हाँ बेस्ट फ्रेंड जो कभी गर्लफ्रेंड बनने देगी नहीं। तुमने फिर वही बात की ना? अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। चराग तरे भी ढूंढेंगी बहन, ऐसी अच्छी लड़की आपको नहीं मिलेगी। बीए किया हुआ है लड़की ने, सुघड़ और खूबसूरत भी है। लड़की की कोई तस्वीर लाई हो तो दिखाओ। हाँ हाँ लाई हूँ तस्वीर साथ। लड़की तो प्यारी है, लो बबलू देख लो ये तस्वीर। नहीं मुझे शर्म आती है। देखो कैसा शर्मीला है मेरा बेटा, देख ले बेटा शर्माती तो लड़कियाँ हैं, देख। है तो प्यारी। तो फिर मैं क्या हाँ समझूं? हाँ 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 समझो, हमारी तरफ से शाम को इसके अब आएंगे तो उनको भी ये तस्वीर दिखा। अच्छा बात सुनो, हमारे पड़ोस में कवारी लड़की है, आपके पास लड़कों के रिश्ते हैं ना? हाँ हाँ बहुत रिश्ते हैं मेरे पास, एक से बढ़कर एक रिश्ता है, वकील इंजीनियर डॉक्टर। अम्मा मैं खाला के घर से होके आ रहा हूँ उनके साथ, चले आप मेरे साथ चले। अरे बबलू बात तो सुन। अरे बंटी का भी तो रिश्ता करवाना है ना, आप चले। गाँव बसाने उचक के पहले आ।
अरे बहन सफिया, रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, हमें तो बस तालमेल करने के लिए रखा होता है। तो कौशल बहन, मेरी बेटी के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देख दें। बेफिक्र रहो, नेक और शरीफ लड़कों की लाइन लगा दूंगी। अरे लाइन नहीं लगानी, एक ही लड़का ढूंढना, शरीफ और ईमानदार, बिल्कुल मेरे जैसा। बेफिक्र रहो बबलू, मगर लड़की नजर नहीं आ रही। ये लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारे रिश्ते के लिए आए। क्या बेटा, ये रिश्ता कराने वाली खाला कौसर हैं। अभी उन्होंने बबलू का रिश्ता पक्का कराया है, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों तुम्हारा भी रिश्ता करा दें। क्या हो रहा है यहाँ पे बबलू? अरे तुम ही कह रही थी ना तुम्हें अरेंज मैरिज करनी है, तो सोचा तुम्हारा मसला भी हल कर दूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आओ बेटा इधर बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें लड़कों की तस्वीरें दिखाती हूँ। जिस लड़के को भी तुम पसंद करोगी ना, उससे तुम्हारी बात पक्की कर दूंगी मैं। मैं तो बैठ जाऊंगी आराम से। आप पहले यहाँ से उठे और चलते बने। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। चले। मगर हाथ भी दिखाऊं क्या? बंटी, अम्मी। हाँ हाँ जा रही हूँ, तुम जैसी बदजबान लड़की से कौन शादी करेगा। हाँ जाओ जाओ, चलो चलो बदजबान। और तशरीफ का टोकरा उठाओ, चलते बनो, चलो। तुम्हारे रिश्ते के लिए मैंने कहा था कि मुझे रिश्ता करने हैं। अरे तो मेरा रिश्ता भी इन्होंने ही करवाया है। तो मैं क्या करूँ, करवा दिया किसी कानी लूड़ी लंगी बहरी से। ओ हेलो हेलो, बहुत खूबसूरत लड़की से रिश्ता करवाया है, तस्वीर पड़ी है घर पे, आगे देख लेना, माहिरा खान लगती है वो। तू बड़ा है फवाद खान, निकलो यहाँ से, चल जा। बबलू, बंटी, घर आए हुए मेहमानों से बात करने का? अम्मी बबलू कोई मेहमान नहीं है, रोज यस्सो पंजो में मार खाता है मुझसे बचपन से। अरे मैं बबलू की बात नहीं कर रही, रिश्ता कराने वाली कौशल की बात कर रही हूँ मैं। तो उनसे किसने कहा था कि बिन बुलाए यहाँ पे आ जाए? जब मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। पागल हो गई है ये लड़की, हाँ खराब है इसका। बंटी मूड ठीक हुआ बेटा? मेरे मूड को क्या होना है? ऐसा क्यों करती हो बेटा? अब मैंने क्या कर दिया अम्मी? तुमने पूरी जिंदगी शादी नहीं करनी है क्या? तो शादी करके भी मैंने कौन सा कोई किला फतह कर देना है? ये बात नहीं है बेटा, पूरी जिंदगी जवान बेटियों को घर पे रखा नहीं जा सकता। अच्छा, तो साफ साफ कह दें कि मैं बोझ बन गई हूँ आप पे। पागल हो गई हो? कभी बेटियां माओं पे बोझ हो सकती हैं? तो फिर क्यों मुझे खुद से जुदा करना चाहती हैं अम्मी? ये दुनिया का दस्तूर है बेटा, लड़कियों का असली घर उनका ससुराल होता है। अच्छा, तो आपका ससुराल आपका असली घर क्यों नहीं था? आपको क्यों अब्बू ने शादी के दूसरे साल ही घर से बाहर निकाल दिया? अगर नाना का ये घर नहीं होता तो आज कहां होते हम लोग? जो मेरे साथ हुआ है जरूरी नहीं है अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ भी हो। अम्मी, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, सारी उम्र आपने मेरी परवरिश में गुजार दी और आज जब आप बूढ़ी हो गई हैं तो मैं चली जाऊं? इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती अम्मी। ऐसा करते घर दामाद ढूंढ लेते, दोनों माँ बेटियां एक साथ रहेंगे और दूर भी नहीं होंगे एक दूसरे से। अच्छा, मतलब शादी करनी जरूरी है? हाँ वो तो करनी है, तुम नहीं चाहती कि मैं नवासे नवासियों का मुंह देखूं? चाय बना के आई मैं। हाँ खाला। वालेकुम सलाम। मेहमान आए थे कोई? हाँ, बबलू के ससुराल वाले। किसके ससुराल वाले? बबलू के ससुराल वाले, लड़की भी साथ आई थी, मुझे तो अच्छी लगी, यूं समझो मेरे मन को भागे। उसकी और बबलू की जोड़ी खूब जचेगी, बस अल्लाह नजर बद से बचाए। मुबारक हो आपको। तुमको भी मुबारक हो। ये लो मुँह मीठा करो, मेरा पेट खराब है। बबलू कहाँ है? अपने कमरे में। लुड्डी ए जमालो, लुड्डी ए जमालो। तुम इतनी खुश क्यों हो? खैरियत तो है? मैं वो बबलू का रिश्ता टूट गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो तो हर वक्त मेरे साथ होता है, गुजारा नहीं है उसका मेरे बगैर। Mm-hmm.
तो भाई दुल्हा साहब अभी तक नाराज है मुझसे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे गुस्से से? तुम्हें तो मजा आता है मेरी बेइज्जती करने में। अरे लड़ाई भी तो वहीं होती है जहाँ प्यार हो। मेरा मतलब है कि दोस्तों वाला प्यार, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा खैर अब मुंह नहीं लटकाओ, तुझे मुबारकबाद देने आई थी, शादी हो रही है ना तुम्हारी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सुना है कि आई थी वो साथ? हाँ आई थी। कैसी है? रियल में तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैंने तो तस्वीर भी नहीं देखी है। ये लो। इतनी भी अच्छी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी तुम तारीफें कर रहे थे ना उतनी तो अच्छी नहीं, बस ठीक से ही है। लेकिन खैर अब तुम्हें पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ। कहते हैं ना कि अगर दिल गधे पे आ जाए तो मेरी क्या चीज है। देखो मेरी होने वाली बीवी की इंसल्ट मत करो। अभी हुई तो नहीं ना, जब हो जाएगी तो बोल दूंगी शिल्पा शेट्टी है तुम्हारी बीवी। चलने की वो आ रही है कहीं से। मैं क्यों चलूंगी, शादी है मेरे बेस्ट फ्रेंड की, मैं तो खुश हूँ। बैठो तो मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। हेलो। अच्छा बीनश बात कर रही है? अभी आप की तस्वीर देख रही थी मैं बंटी हूँ, बबलू की बेस्ट फ्रेंड और उसकी पड़ोसी। मैं सुधिया क्या कर रही हूँ? हम तो हर वक्त एक दूसरे के साथ होते हैं, बस अब तो आपका इंतजार है, शादी करके आ जाए और ढूंढते रहिएगा बबलू को। क्यों? इसलिए क्योंकि वो तो हर वक्त मेरे साथ होता है, गुजारा नहीं है उसका मेरे बगैर। हम लो बबलू भी आ गया, ये लो बात करो उससे। हेलो। हाँ दोस्त है मेरी। क्यों, किस वजह से? मेरी बात तो सुनो। हेलो क्या हुआ? बीनिश अजीब तरीके से बात कर रही थी, कह रही थी आना मुझे कॉल मत करना। मुझे तो अजीब सी लड़की लग रही है ये अपनी से। मगर उसने ऐसा क्यों कहा? अच्छा भाई मैं तो चलती हूँ, मुझे तो घर में बहुत काम है। मैं चली। देखो आखिर किस वजह से कहा होगा मीनिश ने? दिल के अरमांसुओं में बह गए, दिल के अरमांसुओं। हाय बिल्लू, तुम क्यों इस तरह सैड सैड गाने गा रहे हो? क्या बताऊं बंटी, नजर लग गई है मेरे प्यार को किसी को, घर बसने से पहले ही उजड़ गया। बिल्लू तुम तो रो रहे हो। रो तो नहीं वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। क्या करूं, इनकार कर दिया रिश्ते से। रिश्ते से इनकार कर दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, मेरा दोस्त शहजादा है, एक लड़की जाती है दूसरी आ जाती है, इसमें फिक्र करने की कौन सी बात है। प्यार हो गया था मुझे उससे। वो तो तुम्हें सबसे हो जाता है बिल्लू। कसम से इसे सच्ची वाला हुआ था, टैटू बनवा रहा था मैं उसके नाम का। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम ना रो लो, गाने गा लो, सुन भी लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारी अच्छी दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। घर जाकर ना तुम्हें और सैड गाने दे दूंगी, तुम गौर से सुन लेना, अम्मी के फोन से। उनका दिल ना छोटा है तुम्हारा। यार नहीं, तोड़ दिया घर यार। लड्डी एज मालो, हाँ लड्डी एज मालो, लड्डी एज मालो। इतनी खुश क्यों, खैरियत तो है? मैं वो बबलू का रिश्ता टूट गया है। तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है?
खुश तो मैं नहीं हूँ अम्मी, वो इतना रो पिट के आ रही हूँ मैं बबली के साथ, मुझे तो डिप्रेशन ही हो गई। और पता है मैंने कहीं पर सुना था कि जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो तो नाचना चाहिए, दिल का रोग कम होता है, है? पागल लड़की है, पागल हो गई है। डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं, वाला भेज दूँ इसको और डिप्रेशन में चला जाएगा, सब्र करो। इसके अलावा और कौन सा है? नहीं मेरा इंतजार। अच्छा क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? मैंने क्या कर दिया? यार मैं पहले से ही दुखी हूँ और तुम मजीद मुझे दुखी दुखी गाने व्हाट्सएप कर रही हो। यार वो तो देखो ना, मैं तुम्हें दिखाना चाह रही हूँ कि मैं तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त हूँ, तुम्हारे दुख में ना बराबर की शरीक हूँ। मैं भी सुन रही हूँ दुखी गाने, दो चार आंसू भी बहा दिए मैंने तो। किस लगे तुम्हें? मेरा दुख बांटने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है मेरा, कैसे छोड़ दूँ मैं उसे? यार प्लीज मैं सो रहा हूँ, मुझे गाना सेंड मत करना। क्या सोने लगी हो? आशिकों की तो नींदें उड़ जाती हैं और तुम्हें नींद आ रही है। रिश्ते वाली खाला सुबह दोबारा रिश्ता लेकर आ रही है और मैं नहीं चाहता कि लड़की वालों को मेरे चेहरे पे नौसत नजर आए, इसलिए सोना चाहता हूँ। गुड नाइट। हेलो लड़का, अभी पुरानी मोहब्बत को दफनाया नहीं कि नई शनाइयां बजानी शुरू कर दी? अब पता नहीं कौन सी बहू बिल्ली लेके आया होगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, तुम्हें कैसे पता चला? आपकी चाय उठाने की कंटिन्यूटी और बबलू ने रात को बता दिया था। पता है इस दफा पहले से भी अच्छा रिश्ता मिला है, लड़की के पास ग्रीन कार्ड है, अमेरिकन है। अमेरिकन सुन रही है मतलब? अरे तुम कहाँ थी? बबलू से मिलना। बबलू तो गया हुआ है। कहाँ? टीना के साथ। टीना कौन है? वो ही जिसके साथ मेरे बेटे की शादी होने वाली, मेरी अमेरिकन बहू। हाला अभी तो रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ और आपने बबलू को अकेला भेज दिया उसके साथ। दरअसल बात यह है ना कि लड़की वाले एक महीने के लिए पाकिस्तान आए हुए, उन्होंने सोचा कि लड़के और लड़की को एक साथ वक्त गुजारने दिया जाए ताकि उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग, क्या कहते हैं उसे, अंडरस्टैंडिंग। हाँ हाँ वही वही। और तुम्हें खुशखबरी दूँ, वो शादी के बाद बबलू को अपने साथ अमेरिका लेके जाएंगे। क्या चला जाएगा बबलू? हाँ बंटी, मैंने खाना लगा दिया, बेटा आ जाओ। नहीं अम्मी मुझे भूख नहीं है। बस भी करो, कब तक उसके अमेरिका जाने का सोग मनाती रहोगी? फर्ज करो वो अमेरिका नहीं जाता लेकिन उसकी शादी तो हो रही है, और कौन सी बीवी चाहेगी कि उसके मियाँ की कोई दोस्त हो? अम्मी लेकिन मेरी और बबलू की वो वाली दोस्ती तो नहीं है ना? जानती हूँ बेटा, तुम दोनों मेरी आंखों के सामने बड़े हुए, लेकिन बीवी तो बीवी होती है, उसको अच्छा लगेगा कि रोज तुम मुंह उठा के उसके घर चली जाओ और वो हमारे घर आ जाए? शादी के बाद एक जैसी जिंदगी नहीं रहती है बेटा। अम्मी बस कर जाए, आप तो मुझे और भी परेशान कर रही हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, आने वाले वक्त से आगाह कर रही। अच्छा ठीक है जाए, आप खाना लगाए मैं आती हूँ। मैं खाना लेके यहीं आ रही हूँ, खाना खा लो, भूखा रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं भी देखती हूँ कैसे शादी करता है ये।
एक्सक्यूज मी, हेलो टीना। यस मीका, मैंने मिला था तुम्हें कोई? व्हाट डू यू मीन? आई मीन के बबलू जैसी लड़की अमरीका में कहा। ही सो स्वीट। लेकिन आप कौन है? मैं बंटी, बबलू की बेस्ट फ्रेंड। क्या कभी उसने आपके बारे में बताया नहीं मुझे? क्या मेरा जिक्र नहीं करता हो तुमसे? करता होगा, तुमने नोटिस नहीं किया होगा। अच्छा आप जरा रास्ते से हटेंगी, मैं अंदर चली जाऊँ। मुझे और बबलू को डिनर पे जाना है ना। डिनर? अभी तो दोपहर हो रही है, रात में आ जाना। वो एक्चुअली हमें मूवी भी देखनी है ना डिनर से पहले। अच्छा लेकिन वो बबलू तो घर पे नहीं है। उसने तो मुझे कहा कि वो घर पर है। हाँ वो था लेकिन दही लेने चला गया, खाला ने भेजा। हाँ तो जल्दी आ जाएगा। किसने कहा कि जल्दी आ जाएगा? अभी स्टेशन से मिलता है दही और डेढ़ घंटे दूर है स्टेशन, पैदल गया है, नहीं आने वाला रात से पहले। तुम्हारी गाड़ी खड़ी ना, चली जाओ, रात में आ जाना आराम से। हवा थोड़ी तेज चल रही है ना। हेलो टीना। हाय, तुम्हारी फ्रेंड तो कह रही थी तुम घर पे नहीं हो। हाँ वो क्योंकि तुम तो इस टाइम पे मेरे घर होते हो ना, तो मुझे लगा कि तुम घर पे नहीं होगे। तुम्हारी तरफ? अरे हम साथ ही तो हैं। तो हम जो है हर वक्त साथ साथ होते हैं, कभी ये मेरे घर कभी मैं इसे घर। क्या शर्ट पहनी है बबलू? सौ जवाब बोला है। मेरा नाम टीना नहीं, टीना इसका नाम है। तुम यार बेस्ट फ्रेंड का नाम भूल गए। हम जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? आगे बता दूँ। चल बबलू ले। कितनी अजीब सी बात है, उस अमेरिकन सोंगे को मेरा तारुफ भी नहीं कराया, और ये देखो कैसे व्हाट्सएप स्टोरीज लगा रहा है। फीलिंग ऑसम। टीना तेरा आप भी ऑसम नहीं काटती हूँ मैं, तेरे बगैर मूवी भी देख ली, डिनर भी कर लिया होगा अभी तो। नंबर भी कैसे जा रहा है, देख लेती हूँ मैं भी तुम्हें। कितने दिन चलती है तुम्हारी ये मोहब्बत? पढ़ाया कोट लाइन है, अब देखती हूँ कमरे से कैसे निकलते हैं। दरवाजा किसने लॉक कर दिया? बस बहुत हो गई, मैं यहाँ पर मार खाने के लिए नहीं आई हूँ, जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। बंटी बेटा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत चुप चुप रहने लगी हो। तो और क्या मैं लुडिया डालूं? अम्मी मैं आपको बता के थक गई हूँ कि मैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर होने वाला है, मैं बहुत सैड सैड फील करती हूँ। वो अभी यही है ना, कम से कम उसके सामने तो खुश रहो, उसे ये ना लगे कि तुम उसके अमेरिका वाले रिश्ते से नाखुश हो। मम्मी ये कोई जलन नहीं है, इनसिक्योर हूँ मैं, बेस्ट फ्रेंड है बबलू मेरा। क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हो रहा है? बंटी का मूड ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, देखो ना किस तरह मुंह फुला के बैठी है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब इसका मूड ठीक हो जाएगा। चलो बंटी जल्दी से तैयार हो जाओ। किस खुशी में? तुम्हारी उस अमरीकन सूंडी के इस्तकबाल में। अरे हम बाहर जा रहे हैं डिनर करने, चलो। क्यों? अरे मेरी शादी होने वाली है तो ट्रीट तो बनती है दोस्त के लिए, अब इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मेरा मूड नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा मूड नहीं है? मतलब तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? अरे तुम्हें मेरे साथ मेरी खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए, तुम जाओगे मेरे साथ? बेटा तुम घर जाओ, मैं इसे भी तैयार करके भेजती हूँ, कैसे नहीं जाएगी ये, तुम जाओ या आती। पक्का भेज रही है ना आप इसे? पक्का भेजती हूँ इसे। अल्लाह। ठीक है वेट कर रहा हूँ। और हाँ
अच्छे से तैयार होना, वेट कर रहा हूँ मैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। शाबाश। कुछ बोलो भी, या चुप ही रहोगे? और अगर इसी तरह चुप रहना था तुम घर में बैठ जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत है फिर? मैंने कहा भी नहीं था कि मुझे लेकर आऊंगा, तुम्हें ही शौक। मगर मुझे बातें करनी थी ना तुमसे, मुझसे बातें डिस्कस करनी थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया। क्या बात डिस्कस करनी है? अपनी उस अमेरिका वाली फियांसे के बारे में कुछ बताना होगा, है ना? नहीं ना, हम और ही बहुत सी बातें कर सकते हैं। अच्छा बताओ क्या खाओगे? मुझे भूख नहीं है। अरे बताओ कुछ तो खाओगे। क्या एक काम करते हैं, तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बोल देते। अच्छा थोड़ा टाइम आप दूंगा। अच्छा मैं एक बात सोच रहा था। क्या? मैं सोच रहा हूँ अमेरिका जाने के बाद तुम्हें और खाला को वहाँ बुला लेता हूँ। थैंक यू सो मच, हम लोग यहीं पे ठीक हैं। प्लीज सर, मैं वहाँ अकेला बहुत उदास हो जाऊंगा, मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी, इसे ले जाना चाहता हूँ। अच्छे से दिख रहा है कितनी उदासियाँ चढ़ी थी। वो ठीक भी कर लो, हम कोई और बात कर सकते हैं अमेरिका के अलावा। अच्छा अच्छा फाइन, हम कुछ और बात करें। एक काम करता हूँ, खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। बिरयानी खाओगे ना? एक्सक्यूज मी, वो ठीक करो। सही बात। अरे ये क्या बच्चों वाली गेम खेल रहे हो तुम लोग? किससे बच्चे खेलते हैं? हम लूडो खेलेंगे। क्यों? बच्चों वाली गेम है यार ये तो, हम तो यस पंच खेलते हैं ना। पर अब नहीं। आपको यस पंच पसंद नहीं? ओह नो नो, आई डोंट माइंड। क्या है यसु पंजू मंजू जो भी है, खेल लेते हैं, अब मजा आएगा। हाँ हाँ, ऐसे करारे करारे थप्पड़ लगाऊंगी इस अमेरिकन सूंडी को, लग पता जाएगा इसे। मेरे दोस्त को मुझसे छीन रही थी। मैं यहाँ पर मार खाने के लिए नहीं आई हूँ, जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। जाओ, रोका भी किसने? और हाँ, मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी। जाओ, रोका भी किसने? जाओगे बंटी? बाय द वे, मैं यसु पंजू नहीं खेल रहे, मैं नहीं चाहता। दो दिन बाद मेरी होने वाली दुल्हन की मेहमान पे मेहंदी लगनी है, और से थप्पड़ पड़ेगी सिया। दो दिन क्यों? तुम दोनों में शादी कर रहे हो? हाँ ना, मुझे बबलू के पेपर्स अमेरिकन एम्बेसी में फाइल करने ना, धोनी का नामा तो होना चाहिए ना। मगर खाला, ऐसा कैसे हो सकता है? पंडू आपका एक लौता बेटा है, उससे व्यक्ति तो नहीं कर सकते ना। सोचे ना, कोई मेहंदी, ना कोई माइयों, ना कोई ढोल, ना कोई बैंड बाजा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप थोड़ा वक्त मांग ले। अरे बंटी, चाहती तो मैं यही थी, मगर वो ये ना बबलू के पास झट से मान गए, कहने लगे शाह बेगम देखो रिश्ता कहीं हाथ से निकल जाए। भले बेटा हाथ से निकल जाए। अरे उसका भी इंतजाम कर लिया हम लोगों ने, अमेरिका जाते ही हम लोगों को बुला लेगा। खाला वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अकेली जान कैसे करेंगी इतना सब कुछ? अभी तो बहुत कुछ, बहुत सारी तैयारियां हैं। वक्त मांगे? अरे बंटी, कौन सा हमें घर में इंतजाम करना है जो वक्त मांगू। दोनों कोर्ट जाएंगे, वो क्या कहते कोर्ट मैरिज, वो कर लेंगे। फिर मैं सारे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी और तुम्हें भी भेजूंगी। कौन सी मिठाई खाओगी? मैरिज? हद ही हो गई है वैसे, जैसे लालची हो गए ना आजकल लोग। भाई अमेरिका के नाम पे उसकी लालच में चढ़ा दो बेटे को सूली पे, कोर्ट मैरिज करवा दो बेटी। वैसे कोर्ट मैरिज में बुराई क्या है? अच्छा
चलो माना बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी अम्मा 10-15 दिन का मार्जिन तो देना चाहिए ना इंसान को। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो ऐसे लगता है जैसे लड़की के पीछे पुलिस के नाम से आता है। अम्मी मुझे तो ना लगता है कोई गड़बड़ है यहाँ पे। कैसी गड़बड़? अम्मा सोचो ना, आज का जमाना बड़ा खराब है, अगर उन्होंने हमारे बबलू को मनी लॉन्ड्रिंग या फिर स्मगलिंग के चक्कर में अंदर करवा दिया तो। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मा तुम्हें नहीं पता लोग कैसे कमीने हो गए आजकल। अगर उन्होंने बबलू को मार के उसकी बॉडी के अंदर हीरोइन या ड्रग्स स्मगल करना शुरू कर दी तो क्या करेंगी खाला? बाबा बंटी कैसी मनहूस बातें कर रही है। अम्मा मनहूस बातें नहीं करी मैं, खाला ही कान में डाल देने बात। अच्छा जा, जाके मेरा दिमाग मत खा, मुझे काम करना है। जा रही हूँ मैं। यहाँ पे तो सब लोग ना अमेरिकन सुंडी के रंग में रंगे हैं। नोट दिखाए होंगे ना तुम्हें भी, डॉलर देखे होंगे तुमने पहली दफा। पागल थी, शादी उसकी हो रही है और परेशान ये हो रही है। खराब कर दिया इस लड़की ने मेरा। अच्छे खासे तकवारे फंस गए यारो, कोई तो हमें निकालो। चला जो पीछे चोरू बनूंगा, रुका तो सर पे वो बरसेगी। चला तो पीछे हर लड़की के, रुके तो मैं क्यों ना बरसूं। कभी बैंड कभी बाजा मेरा, बच गए बच गए बच गए। कभी बैंड कभी बाजा मेरा, बच गए बच गए बच गए। अब देखो कमरे से कैसे निकल गए। दरवाजा किसने लॉक कर दिया? हे बार क्या कर रही हो? मुबारकबाद देने आई थी तुम्हें तुम्हारे निकाह की। ठीक है तुम मुबारकबाद देते रहना, अभी तुम्हें जा रहा हूँ कोर्ट। वो टीना ना मेरा इंतजार कर रही है, तुम्हें पता है ना शादी है आज हमारी, जा सकती तुम। अरे बात सुनो, ये क्या किया तुमने? शादी खुशी में पी तो नहीं लिया तुमने? मैं क्यों निकालूंगी तुम्हारी टाइप की हवा। बात सुनो, मैं सब जानता हूँ ये सब कुछ कौन कर रहा है। कभी मेरी मंगनी तोड़वा देती हो, कभी मानो बिल्ली को भगा देती हो, कभी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट से सारे फ्रेंड्स को डिलीट कर देती हो, और अब टीना से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। कभी तो कोई मेरा दरवाजा लॉक कर देता है, और हाँ आज तक कोई मेरी टायर की हवा भी निकाल रहा था। जो कहना है बोल क्यों नहीं देती? क्या बोल दो? वही जो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम क्या सुनना चाहते हो? I love you। अम्मी, मैं अम्मी से हमेशा कहती थी कि तुम मुझसे ही प्यार कर। लेकिन अब क्या फायदा? तुम्हारी तो कोर्ट में आ रही जो आज उस टीना से। बंटी, तुम्हें एक बात बताऊं? ये सब कुछ एक ड्रामा था। मेरी कोई कोर्ट मैरिज नहीं हो रही। आज मेरे दोस्त फरहान की एंगेजमेंट है। वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। और टीना मेरी कजन है, सब मिलके ड्रामा कर रहे थे। बबलू के बच्चे, तुम इतने अरसे से मुझसे झूठ बोल रहे थे, पागल बना रहे थे मुझे। अच्छा जाओ, अम्मी से रिश्ता मांग लो। मैं इस तरह सड़क पे खड़ो के ऐसी बातें नहीं करती। मैं क्यों रिश्ता मांगू जबकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। तुम प्यार करती हो तो बात क्या करूँ। और हाँ मैं फरहान की तरफ जा रहा हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारे लड़के होंगे, कोई अच्छी लड़की मिल जाए। तुम लड़कों को क्या लगता है सिर्फ तुम लोग ही ऐसे हाथ पकड़ के रोक सकते हो? प्यार करती हूँ तुमसे। क्या कहा मैंने? सुना नहीं। प्यार करती हूँ? ऐसे चेहरे के साथ क्या कह रही हो मुझे कुछ पता नहीं। प्यार करती हूँ तुमसे। जाओ अब हिम्मत करो, अब मुझे जाके रिश्ता मांगो, फौरन जाओ, मैं दूसरे लड़की से हवा निकाल दूंगी। जाओ और सुनो, हाँ करवा के आना। गलती वो गलती हम कर गए।